कोशिश की हम लोगों ने, हम लोग न्यू स्टारकास्ट है, सब हम लोग नए हैं, हेब्रो फिल्म बना रहे, कैनवास फिल्म का बहुत बड़ा है, और तो कोशिश हमने की कि अच्छी फिल्म बनाए, और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ऑडियंस का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, मीडिया की तरफ से भी अच्छा अच्छी बातें आ रही है, तो हैप्पी। मैं कहूँगी वो भी यूथ है, हम भी यूथ हैं, और ये मूवी भी उन्हीं के लिए बनाई गई है, यूथ के लिए बनाई गई है, और परफॉर्मेंस हो रहा है तो ऑब्वियसली धमाल तो बनता ही है, उन लोगों के लिए परफॉर्मेंस करेंगे हम, और उनका जो कंपटीशन है उसके लिए हम उन लोगों को विश करेंगे। बिल्कुल, जो नुपुर ने कहा है मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन भावनाएं वही है, एंड मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि मेरी शुरुआत भी एक डांसर के तौर पर हुई, और मैं अपने कॉलेज में, मैं कॉमर्स कॉलेज से ही हूँ, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, और अपने कॉलेज में मैं एक एसोसिएशन था जो ये सब कल्चरल एक्टिविटीज़ करते थे, उसका मैं प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, तो मैं ये सब पहले कर चुका हूँ, एंड आई एम रियली एक्साइटेड, मैं सारे स्टूडेंट्स को विश करना चाहता हूँ। वी विल से कि हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमारे इस ट्रैक में ये जो बिरजू सॉन्ग है जो इतना पॉपुलर हो गया है, उसमें ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के सारे लेजेंड्स हैं, चाहे वो अमित जी हैं, अजय देवगन हैं, अक्षय कुमार हैं, ऋतिक रोशन हैं, प्रभुदेवा हैं, यू नो रणवीर सिंह हैं, और यू नो, तो वी विल फील ब्लेस्ड ओनली कि आपकी एक फिल्म जो एक तो आपको मन चाहा, आपको पैड मिल रहा है अपने टैलेंट शोकेस करने का, हम सबको ऊपर से उस फिल्म में चार चांद लगाने के लिए ऐसे स्टार्स आ गए हैं, इनफैक्ट गोविंदा जी ने कैमियो भी किया फिल्म में, तो बहुत क्या कहते हैं इंकरेजमेंट मिलता है, और आपको हिम्मत आती है कि भाई वी हमारी फिल्म में करेक्ट हर इंग्रेडिएंट्स सही तरीके से लगते जा रहे हैं कि एक ये परफेक्ट रेसिपी तैयार हो जाए, तो वही है हमारी उसी बात की खुशी है, एंड वी होप जिस तरह से बिरजू को रिस्पॉन्स मिला उसी तरह हमारी फिल्म को भी रिस्पॉन्स मिला।